तो उत्तरकाशी की खबर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश ने तबाही मचाई है और कई लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। सभी रास्ते बंद हैं, बहाव बहुत ज्यादा है, जिससे यहां पर जिंदगियां खतरे में पड़ी हुई हैं। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चला रहा है और कुछ लोगों की जान भी बची है। 350 से ज्यादा लोगों की जान अब तक प्रशासन बचा चुका है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहां पर जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि जहां तहां मलबा गिरने से रास्ते बंद हैं, नदियों का प्रवाह इतना ज्यादा है कि उनसे गुजरना इस वक्त मौत को दावत देने से कम नहीं है। ऐसे में लोग जो पूरी दुनिया से संपर्क जिनका कट चुका है, उनको जैसे तैसे प्रशासन की मदद से, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम की मदद से, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ लाया जा रहा है, उनकी जिंदगी बचाई जा रही है। और नदियों का उफान भी आप देख सकते हैं कि कितनी तेज धारा है, एक बार जो इसमें गिरेगा वो कहाँ चला जाएगा उसका कहीं कोई अता पता नहीं चलेगा। तो इतने बुरे हालात हैं, आफत है पानी की, और इसी बीच लोगों को सुरक्षित बचाने का काम चल रहा है। तो देख सकते हैं आप, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर कोई बस इसी तरह उन्हें यहाँ पर कह सकते हैं कि जोखिम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई यहाँ पर मार्ग नहीं है, कोई और यहाँ पर रास्ता नहीं है। तो जो बुजुर्ग हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है, और खासतौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी इस तरह से उफनती धाराओं के ऊपर से सुरक्षित दूसरी छोर पर पहुंचा रहे हैं, ये अपने आप में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें बचा रहा है प्रशासन, और यहाँ पर हमेशा की तरह तारीफ करनी होगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की, जो अपनी जान पर खेलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में लगा हुआ है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन लोगों की जान बचाई गई है। आप देख सकते हैं कि एक एक कर कैसे लोगों को इस तार के सहारे नदी के दूसरी ओर लाया जा रहा है। तो इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो काफी डरे हुए भी हैं आपदा को देखते हुए, पानी को देखते हुए। तो जैसे तैसे हिम्मत करके यहाँ पानी की तेज धार के ऊपर से बहकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं, और जो भी टीम है यहाँ पर आपदा प्रबंधन की, वो दोनों ओर जुटी हुई है, ग्रामीणों को भेजकर उन्हें सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि बुजुर्ग महिला है तस्वीर में आप देख सकते हैं, तो इन महिलाओं को भी, इन बुजुर्ग महिला को भी सुरक्षित दूसरी छोर पर पहुंचाया गया है। और काफी तेज धारा इस वक्त नदी की है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, जिससे नदी में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे राहत और बचाव का काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है यहाँ पर, जो प्रशासन ने चलाया है। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो ऐसा लगता है मानो अभिशप्त हो गया है ये जिला यहाँ पर आपदा झेलने के लिए। तो बहुत ज्यादा नुकसान हर बार यहाँ पर होता है, और एक बार फिर से भारी बारिश की वजह से यहाँ चारों ओर ऐसा लग रहा है मानो जल प्रलय आई है, जहां तहां लोग फंसे हैं। फिलहाल सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश हो रही है, और जो लोग यहाँ पर फंस गए थे उन्हें भी आप देखिए कैसे एक एक करके रेस्क्यू टीम वहां से निकाल रही है।